भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। नए मंदिर में भगवान श्री राम 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके लिए राजस्थान में संगमरमर का सिंहासन तैयार किया जा रहा है। इस सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। ये 15 दिसंबर तक अयोध्या पहुंच जाएगा। इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों के बीच राम मंदिर निर्माण का काम और तेज कर दिया गया है। मजदूरों की संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ा दी गई है। राम मंदिर का भूतल 15 दिसंबर तक हर हाल में तैयार किया जाना है। प्रथम तल का काम भी 80% पूरा हो चुका है। राम मंदिर के गर्भगृह में रखे जाने वाला सिंहासन 3 फीट ऊंचा, 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। परिक्रमा मार्ग की फर्श का काम भी पूरा हो चुका है। अब गृह मंडप की फर्श पर संगमरमर लगाने का काम चल रहा है। सीढ़ियों के साथ अन्य स्थानों की फ्लोरिंग का काम चल रहा है। यात्री सुविधा केंद्र के 3 मंजिलों की छत पर पड़ चुकी है। सुरक्षा उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। राम मंदिर के परकोटा के प्रवेश द्वार का काम भी अंतिम चरण में है। यहां बस छत पड़नी है। ये काम भी नवंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रथम दल के 17 स्तंभ लगाए जा चुके हैं। मात्र 2 स्तंभ लगने बाकी हैं। उम्मीद है कि 15 दिसंबर तक प्रथम दल की भी छत पड़ जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का 70% काम पूरा हो जाने की संभावना है। राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल ने बताया कि राम भक्तों ने बड़ी मात्रा में सोने व चांदी की वस्तुएं भी दान की हैं। ट्रस्ट के गठन व उसके पहले दान में मिली सोने चांदी की वस्तुओं, सिक्कों व ईंट आदि को गलाया जाएगा। दान में मिली चीजों को सुरक्षित रखने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में उन्हें गलाकर सुरक्षित रखा जाएगा। ये काम किसी प्रतिष्ठित संस्था के मार्गदर्शन में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।